हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हमने शुरू करी थी अपनी कम्युनिकेशन की सीरीज, जिसमें हमने एक टेस्ट कर लिया है और उसके साथ साथ हमने उससे पहले कम्युनिकेशन की पूरी वीडियो में हमने रिवीजन करी थी, है ना। तो आपको पूरी रिवीजन वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देखिएगा। और अभी हमारा आज का टेस्ट जो सीरीज हमारी है उसका जो सेकेंड टेस्ट है, हम उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इससे पहले एक आईसीटी करा था, आईसीटी की प्रॉपर रिवीजन जो कि 2 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से हमने करी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद हमने उसके 4 टेस्ट करे थे, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन इस तरह करके 100 क्वेश्चन जो PYQ हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो सारे हमने उसमें करे थे और बहुत अच्छे से हमने उसे एक्सप्लेन करके और उसे समझा, है ना। उसमें हमने क्वेश्चंस जो भी थे, हमारे कंसेप्ट से वो और अच्छे से मजबूत किए, वो पक्के किए क्वेश्चन, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम डरेंगे नहीं, हम कर देंगे, है ना। हम कंसेप्ट अपना लगा के और क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो आईसीटी के बाद हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, रिविजन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, एक टेस्ट हो गया है और आज सेकेंड टेस्ट भी हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा और अभी आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे वीडियो देखते देखते कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप मुझे बताएंगे जरूर कि कमेंट में कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, ओके। तो नए बच्चा जो पहले नहीं देखा जिसने, उसको मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है, रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग आईसीटी कर चुके हैं और कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, हम लोग सुबह एक टेस्ट इस ग्रुप पे, कंसेप्चुअल स्टडी नाम के एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सुबह टेस्ट भेजते हैं, ठीक है, और वहाँ उसके बाद बच्चे वो एग्ज़ाम करते हैं वो पेपर करके, और शाम को जब वीडियो आती है तो वहाँ पे वो अपने आप को एनालाइज करते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसी टेस्ट सीरीज के लिए और ऐसे अलग अलग रिवीजन वीडियोस के लिए और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप का जो नाम है कंसेप्चुअल स्टडी और इसका जो लोगो है वो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज सेकंड सीरीज है, तो आज 26 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, PYQ ही मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो PYQ ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म ग्रेपवाइन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन। आपने कभी ग्रेप्स देखे हैं, तो ग्रेप्स इस तरह करके लगे होते हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अलग 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 पूरे एक तरीके से गुच्छा बना होता है ना, जिसे हम कहते हैं ग्रेप्स, है ना। तो एक पड़ा होगा तो ग्रेप हो गया, लेकिन बहुत सारे हैं तो ग्रेप्स, है ना, नॉर्मल सी, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, बेसिक इंग्लिश, है ना। तो ग्रेपवाइन किस तरह का कम्युनिकेशन, एक जो उन्होंने कहा कि किस तरह का कम्युनिकेशन है, या हम ग्रेपवाइन को किस और क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन से जाइए आप, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तो ऐसे भी हो सकता है कि एक ए पर्सन बैठा है, एक बी पर्सन बैठा है, तो ए ने बी से जाके बात करी, वो क्या हुआ, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब वो वर्टिकल फॉर्म में बैठे हैं, किस फॉर्म में बैठे हैं, वर्टिकल फॉर्म में, और डाउनवर्ड तो ये हो गया, और अपवर्ड क्या हुआ, अपवर्ड हुआ जब बी ए से बात करेगा तो वो हुआ अपवर्ड, अभी भी ये वर्टिकल फॉर्म में ही बैठे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो दो ऑप्शन हो गए, डाउनवर्ड और अपवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि किसी 12-13 बंदों से बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल बंदा ही है ना, ऐसा तो नहीं कि 12-13 लोगों से बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक इंडिविजुअल से, एक इंडिविजुअल ही बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब ए और बी ये दोनों आमने सामने बैठे हैं और ये ए बी से बात कर रहा है और बी ए से बात कर रहा है, ऐसा ही हो रहा है, तो यहां पे भी सिंगुलर बंदे से बात हो रही है। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल, देखो नाम पे जाओ, इनफॉर्मल जो फॉर्मल है ही नहीं, वो किसी भी टाइम किसी से भी कितने भी पर्सन से बात कर सकता है, कितने भी पीपल वहां पे प्रेजेंट हों वो उन तक बात पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, या हम लोग ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल में काफी तरह के जो आपके टेक्निक्स आती हैं या कम्युनिकेशन के जो मेथड्स है वो आते हैं, तो उसमें से ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। तो इनफॉर्मल में किस किस तरह की जो मेथड्स हैं, इस तरह के, जिस तरह ग्रेपवाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हमने कितने कितने हैं वो मैंने सब कुछ आपको कम्युनिकेशन की जो रिवीजन वीडियो है मैंने उसमें आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप वहां से जरूर जाके देखिएगा। अगर वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ना भी मिले तो मैं आपको यहाँ साथ साथ आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक आंसर इसका है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉट ए, नॉट नहीं है इनमें से। तो देखो अब कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग बिल्कुल है, क्योंकि आप परस्यू करते हैं और कन्विंस होते हैं, या आप किसी को परस्यू करते हैं अपना मैसेज और सामने वाले पर्सन को जिसको आपने मैसेज सेंड किया उसको अपनी बात से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस बिल्कुल सही है, आप एक स्टेज पे खड़े हैं, सामने आपके ऑडियंस बैठी है, आप यहाँ पे खड़े होकर अपनी स्पीच दे रहे हैं और यहाँ पे जो ऑडियंस है वो ताली मार रही है आपके लिए, या आपसे आर्ग्यू कर रही है, कोई भी क्वेश्चन पुट कर रही है, तो वो पार्टिसिपेट कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है। और कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक एक हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक, तो उसमें बात आती है कि एटलीस्ट बोले तो कम से कम 2%, टू और मोर, एटलीस्ट टू परसेंट प्रेजेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। अब बात यहाँ पे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही की ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं वन वे, तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। फिर है वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये गलत है, ये नहीं होता, ये प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि अगर वन वे ट्रांसफर होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप रेडियो के सामने बैठ के रेडियो वाला या रेडियो वाली जो आंटी है या रेडियो वाला जो अंकल है वो आपको न्यूज़ सुनाएगा और आप सुन के कर सकोगे, भाई सुनो, सामने से क्या कोई जवाब दे सकोगे, नहीं दे सकोगे, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुई। ये कम्युनिकेशन तो हुई, देखियो कम्युनिकेशन के दो तरह की हैं, एक है वन वे, एक है टू वे, एक है मल्टीपल वे, जिसमें हम ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप किस तरह से इफेक्टिव, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात है तो हमने कल भी पढ़ा था कि इफेक्टिव हमेशा होगा, और इफेक्टिव हमेशा कब होगा, क्योंकि इफेक्टिव है तो इसका मतलब वो टू वे कम्युनिकेशन है, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी शेयर कर रहा है, और सामने वाला उस कम्युनिकेशन को या उस थॉट को जो भी वो उसने शेयर किया उसको अच्छे से समझ के उस पर रिप्लाई कर रहा है, बोले तो फीडबैक दे रहा है, और फीडबैक देने को ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होना, और उस कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर कहता है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन, बिल्कुल होता है, हम लोग ग्रेपवाइन, अब ये स्टेज वाला एग्जांपल दिया तो वो ग्रेपवाइन ही तो है भाई, एक से एक के पास बात बोली लेकिन ये सुन तो सभी रहे हैं, है ना, या इसने बात बोली तो ये सभी सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो क्या नहीं है प्रिंसिपल इसका, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मीडिया इज नोन एज, हम मीडिया को क्या, मीडिया क्या है, हमारे ना चार स्तंभ हैं, ठीक है, चार स्तंभ है जिसमें से एक मीडिया भी है, तो मीडिया हमारे चारों स्तंभ में से कौन सा स्तंभ है, ठीक है, मतलब पिलर्स, हमारे पास चार पिलर्स हैं, तो चार पिलर्स हमारे पास जो है उनमें से मीडिया एक पिलर है, और मीडिया कौन सा पिलर है, तो मीडिया को थर्ड पिलर कहा गया है, कौन सा पिलर कहा गया है, थर्ड पिलर कहा गया है, थर्ड स्टेट कहा गया है, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम जी ने भी बहुत अच्छी बातें बोली हैं मीडिया को लेके, और बहुत नेगेटिव में भी बोले हैं, ठीक है, नेगेटिव में नहीं, मतलब उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया कि ये चीज़ कि आपका जो मतलब इंडिया का जो मीडिया है वो पता नहीं क्यों इतना नेगेटिव है, उनकी एक स्टेटमेंट थी ये, मैंने बहुत टाइम पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि उन्होंने कहा था कि हमारा इंडिया का मीडिया जो है वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव है, बस एक जो न्यूज़ जो न्यूज़ में नहीं आनी चाहिए वो तो वो रिपीट टेलीकास्ट पे दिखाते हैं, और जो न्यूज़ आनी चाहिए वो उसे छेड़ते तक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि मीडिया हमारा किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं, बट सीधी सी बात, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, मीडिया को हम लोग थर्ड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2014 के PYQ में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म भी एक जर्नलिज्म होती है। अगर आपने एक न्यूज़ सुनी थी जब सुशांत सिंह जब एक्सपायर हुआ था, जब उसने सुसाइड का जब उसका केस चला, तो उस टाइम पे उसको जो उसकी वो गर्लफ्रेंड थी उसको कह रहे थे ना कि भाई बार बार न्यूज़ वाले कि हाँ भाई जो सुशांत का कातिल मिल गया, सुशांत का कातिल मिल गया, और मिलने के बाद या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते थे या फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, है ना। तो इस चीज, अब ये तो लोग देखते नहीं, क्योंकि लोग, मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन किया था तो हमने उसमें देखा था कि लोग
लोग नॉन वर्बल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नॉन वर्बल मतलब या तो उसमें ओरल आएगा या कुछ ऐसे हाव भाव या बॉडी एक्सप्रेशन आएंगे, बॉडी मूवमेंट्स आएंगे जिस पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो लोग क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं देखते, लेकिन जो आगे लिखा हुआ है कि हाँ सुशांत का कातिल मिल गया, हुआ पर्दाफाश, वो इस तरह की मतलब वो चैन से सोना है तो जाग जाइए, वो आता था पहले, है ना। तो ये क्या है, ये अटेंशन गेन करने के लिए जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस तरह का जर्नलिज्म चलाते हैं, और इस तरह के जर्नलिज्म को हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो येलो जर्नलिज्म को क्या कहा जाए, या इसको इनमें से कौन से टर्म है जो येलो जर्नलिज्म को रिलेट करती है, तो देखते हैं। सेंशनल न्यूज़ अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस नहीं है, ठीक है। टेररिज्म एंड न्यूज़, वो तो टेररिज्म तो ढंग से थोड़ा दिखा भी देते हैं, ठीक है। सेंशनल एंड एक्स्ट्राग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स, अट्रैक्ट करने के लिए जब वो करते हैं तो ये आंसर है बिल्कुल सही, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सेंसेशनल न्यूज अबाउट आर्ट एंड कल्चर नहीं, सेंसेशनल न्यूज प्रिंट्स इन येलो पेपर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। येलो पेपर पे नहीं होता, होता व्हाइट पे ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन कहीं नहीं आया, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, बी। सेंसेशनल एक ऐसा सेंसेशन बना देना, एक ऐसा सेंसेशन बना देना, एक ऐसा सेंसेशन क्रिएट कर देना जिसकी वजह से आपकी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो आज के टाइम पे येलो जर्नलिज्म, बहुत से क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी के सभी न्यूज चैनल जो हैं वो येलो जर्नलिज्म करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए 30th क्वेश्चन। अब 30th क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है ये, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, देखो क्लासरूम फिर आ गया, तो आपको कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आईसीटी रिसर्च, रिसर्च से तो इतने नहीं लेकिन कम्युनिकेशन और आईसीटी से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, इन क्लासरूम द टीचर क्या कह रहा है, टीचर टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस, ठीक है, वर्ड्स और इमेजेस, द स्टूडेंट्स आर रियली, तो वो क्या होंगे, इन दी क्लासरूम, क्लासरूम की बात करते हैं, टीचर सेंड क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है, मैसेज को सेंड कर रहा है, आइदर एज वर्ड और इमेज, चाहे वो बोल के चाहे वो इमेज कोई बना के या कोई वर्ड लिख के कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कौन है, अब यहाँ बोल रहे स्टूडेंट्स कौन है, तो स्टूडेंट्स कौन हुआ, डिकोडर हुआ, टीचर कौन हुआ आपका, एनकोडर हुआ, है ना। तो एनकोडर कौन है आपका, टीचर जो एनकोडिंग करेगा, मतलब वर्ड्स बनाएगा या फिर इमेजेस बनाएगा, ठीक है। देखो वर्ड्स और इमेजेस, जैसे ना आपको मैं एक चीज बताऊं कि अपने ना एक शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है जिसमें आप डिफरेंट लिखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड है ना, लेकिन अगर आप ये देखो ये लाइन है, मान लो ये कॉपी की लाइन है और आप डिफरेंट लिखना है, तो जस्ट ये, इसे आप डिफरेंट कहते हैं शॉर्ट हैंड की राइटिंग में, है ना। आपको दा लिखना है तो दा, ये डॉट लगाई, ये दा है, ठीक है। आपको मैसेज लिखना है तो ये मैसेज है, ठीक है। आपको एज लिखना है तो ये एज है, मतलब यहाँ पे सर्कल आएगा, ये एज है, ठीक है। तो ये चीजें, इन लिखना है तो ये इन है, तो ये क्या है, ये इस तरह की शॉर्ट हैंड राइटिंग्स हैं जो जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं। यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो आपका स्टेनोग्राफर होता है वो शॉर्ट हैंड राइटिंग करता है, और उसके बाद सामने वाला या वही बाद में उसे डिकोडिंग करके उसको एक प्रिंट पे मतलब जो ओरिजिनल इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या पंजाबी जिसमें भी उसने वो लिखी है उसको वहाँ पे टाइप करके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग ये चीज होती है, ठीक है। तो एनकोडर जो आपका टीचर है, और डिकोडिंग डिकोडर कौन है आपका, स्टूडेंट है। चलिए तो आंसर क्या है इसका, डिकोडर, ठीक है। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, इज डिस्क्राइब्ड एज, क्या बात करता है कि ब्रेक डाउन, वर्बल कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन होना किसे कहते हैं हम लोग, किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट नहीं भाई, शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिसिटी में होता है, ठीक है। कंट्राडिक्शन नहीं होता, कंट्राडिक्शन होता है जब आपस में लड़ाई सी हो जाए एक तरीके से, ठीक है। इधर से भी चीज इधर से भी हो जाए, वो आता ना वो राम का धनुष ऐसे चल रहा होता और यहाँ से ऐसे करके और वो ढूं, फिर इधर से रावण का आता, फिर वो आके वो ऐसे से उसमें भी तीर ऐसे निकल रही होती, फिर आके दोनों बढ़ जाते और वो सारा होके दोनों दोनों तीर गए हुए, वो है एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। फिर है अनइवननेस, तो अनइवननेस जो है वो क्या होता है, जब वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं और उसमें गैप आ जाए, ठीक है। तो वो चीज एंथ्रोपोजी नहीं होता, ठीक है। तो अनइवननेस, जैसे कि मैं ये बोलूं कि मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ने जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनना, जैसे मैं ये बोलूं ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या है,
अब यहां मैं गैप ले रहा हूं जिसकी वजह से आपको हंसी तो बेशक आ रही है लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे जब तक मैं पूरा वर्ड बोल लूंगा। वही बात है भाई, जल्दी बोल रहे पलवेल निकलना है, ठीक है? तो वो चीज है, तो अनइवननेस हम इस चीज को कहते हैं, ठीक है? तो ब्रेक डाउन, जब वर्बल कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन आ जाए तो हम उसे अनइवननेस कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो आंसर क्या है? अनइवननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर दियर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज। वो यूजर्स जो अपने एंड से कम्युनिकेशन को या मीडिया को जो है वो यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या है आपका? एक्टिव ऑडियंस, ठीक है? तो कह रहे यूजर्स हु यूज मीडिया, जो अपने एंड से मीडिया को यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव ऑडियंस, ठीक है? चलिए, द फर्स्ट मल्टी लैंग्वेज न्यूज। मल्टी लैंग्वेज मतलब होता है काफी सारी लैंग्वेज में, मल्टी लैंग्वेज मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज, तो इस तरह की सबसे पहली जो इंडिया में जो मल्टी लैंग्वेज मल्टी लिंगुअल न्यूज एजेंसी थी वो कौन सी थी, ठीक है? तो इस तरह ये देखो क्वेश्चन आते हैं, ये करंट अफेयर के कह सकते हो या आप जीके के क्वेश्चन कह सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? तो 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो ये कौन सी थी? ये थी आपकी हिंदुस्तान समाचार। कौन सी थी? हिंदुस्तान समाचार। अब इसको तो याद रख सकते हैं कि हिंदुस्तान समाचार जो है वो हिंदुस्तान का सबसे पहला मल्टी लैंग्वल जो आपकी न्यूज एजेंसी थी वो थी, ठीक है? चलिए, तो हिंदुस्तान समाचार आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट, इन ए क्लासरूम, फिर से क्लासरूम की बात आती है, कंटेंट प्रोड्यूस्ड फॉर ए स्पेसिफिक यूजर विल लीड टू, जो कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर ए स्पेसिफिक यूजर, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, किसी पर्सनल पर्पस के, पर्सनल स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करें, आपके पास चार बच्चे आते हैं, ठीक है? आप बैठे हैं, आपके पास सामने चार बच्चे बैठे हैं, ठीक है? तो आप इंडिविजुअल पे ध्यान देते हैं कि सभी ग्रुप पे देख देते हैं, ये मान लो ये फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ये सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का, तो आप इंडिविजुअल पे ध्यान देंगे ना? ऐसा तो नहीं है फोर्थ क्लास वाला फर्स्ट भी पढ़ेगा, ठीक है, और फर्स्ट क्लास वाला फोर्थ क्लास का भी पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा, इंडिविजुअल बात करेगा। तो जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं किसके, स्पेसिफिक यूजर के लिए, स्पेसिफिक यूज, स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर के लिए, तो वो क्या होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। देखो यहाँ पर्सनल पर्सनल आ गया ना, तो किसी पर्सनल पर्पस या पर्सनल बंदे के लिए, पर्सनल पर्सन के लिए हम जब यूज करते हैं तो वो आता है तो पर्सनलाइजेशन, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द सिक्वेंशियल ऑर्डर, अपने ऑर्डर बनाना है किसका, ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन में किस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है? वे करना है, तो देखो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहला इवेल्युएशन, क्या इवेल्युएशन सबसे पहले होता है या सबसे एंड में होता है ना? सबसे एंड में होता है, हमने अगर टीचिंग आपने देखी है, टीचिंग में पढ़े हैं, या अभी आप देखो, आप नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने सुबह आपको टेस्ट दिया, आपने वो टेस्ट किया, आपने वो टेस्ट करने के बाद आप वीडियो देखते देखते आप देख रहे हैं, अपने आपको इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, और वो करने के बाद क्या आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके क्वेश्चंस जो गलत हैं उनके आंसर क्या होने चाहिए, या जो आपके आंसर कुछ क्वेश्चंस जो सही हैं आपके क्वेश्चंस उनका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये आपको पता लगेगा, इसका मतलब आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है, देखो ये तो ऑप्शन कंफर्म गलत है और ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है? क्योंकि नॉलेज आपको एंड में मिलेगी, क्योंकि इवेल्युएशन के बाद, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब इंटरेस्ट की बात करो, और फिर इंटरेस्ट चलो ठीक है अपने एक जगह मान लिया, लेकिन आगे फिर नॉलेज आ गया तो नॉलेज तो फिर गलत होगा, तो बचा लेने के क्या बचा, आपका सेकंड ऑप्शन बचा। अब सेकंड ऑप्शन है क्या, क्या है, अवेयरनेस। पहले आप अवेयर होंगे किसी चीज के प्रति, अवेयर होंगे, ठीक है? आप इंटरेस्ट देखेंगे, देखो नॉर्मल से एग्जाम्पल ले चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अब भी जो आपने देखा, ठीक है, आपने मेरी वीडियो जब पहली बार देखी होगी, आपने मेरी वीडियो पहली बार, मान लो कोई आपने आईसीटी की वीडियो देखी या हायर एजुकेशन की वीडियो देखी, ठीक है, आपको मेरी हायर एजुकेशन की जो ट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छी लगी, कि मैंने उसमें सब कुछ करवाया हुआ है, मैं तैरगी एंड फिर गिरेंगी, मतलब वो औरत आती है फिर वो तैरती है और कहती है मैं गिर जाऊंगी, तो अपन ने वहां से ट्रिक याद, ट्रिक के थ्रू याद कर लिया कि हाँ भाई वो तैरते तैरते औरत गिर जाएगी, तो हम जो औरत होती है वो रिक्शिकास कहते हैं, और रिक्शा पे आती है, कहती मैं रिक्शा पे आऊंगी, आने के बाद तैरूंगी और तैरते तैरते गिर जाऊंगी, है ना? तो इस ट्रिक से हमने याद किया, बड़ी अच्छी ट्रिक थी, आपको अच्छा लगा, आप अवेयर हुए, आप उसके प्रति अवेयर हुए, आपका इंटरेस्ट जागा, इंटरेस्ट जागने के बाद आपने मुझे और अपने आप खुद को इवेल्युएट किया, इवेल्युएट किया कि हाँ भाई यार पढ़ना चाहिए इस टीचर से या नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या
क्या मेरे को जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इस टीचर का मुझे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आपने इवेल्युएट किया, और आपने जब इवेल्युएट करने के बाद मुझे चूज किया पढ़ने के लिए, तो आपको क्या नॉलेज मिल रही है, क्या नॉलेज मिल रही है कि हाँ हायर एजुकेशन में ये है, या कम्युनिकेशन में ये होगा, या आईसीटी में ये होगा, या कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ है, ऐसा होगा। तो यही चीज है। तो आप पहले अवेयर होते हैं किसी चीज के प्रति, फिर इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर उसे इवेल्युएट करते हैं, और फिर हम आप क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स, जब कम्युनिकेशन मीट करता है द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग इट बिकम्स, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा। ठीक है, व्हेन कम्युनिकेशन मीट, जब मीट करता है कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है कि जब कम्युनिकेशन मीट करेगा अपने एम को भी और ऑब्जेक्टिव को भी, एम्स को भी और ऑब्जेक्टिव को भी, तो जो क्लासरूम टीचिंग होगी वो क्या बनेगी। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल, फंक्शनल टीचिंग। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से हम करके चलेंगे। अब क्या कहते हैं, लिस्ट वन है एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, और लिस्ट टू है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं, एक तरफ आपको एग्जाम्पल दे रखी है, एक तरफ आपको टाइप्स दी हुई है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कहते हैं ईमेल, सेंडिंग ईमेल। अब ईमेल क्या है, एक फॉर्मल फॉर्मल वे है, तो आपका फॉर्मल वे हो जाएगा। देखो जब भी किसी भी पर्सन के पास, आप किसी कंपनी में जाओ या आप कहीं पे जाओ, तो आपको ना कॉल्स पे कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको एक रिटर्न देते हैं, और रिटर्न जो पार्ट है वो सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो जब ईमेल आपको सेंड करी जाती है, आप ईमेल को सेंड करते हो, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शन। अब जब वर्बल इंस्ट्रक्शन, मैं आपको वर्बल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ या नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो इनफॉर्मल हुई। आप मेरी वीडियो को चाहे लेटे लेटे देखो, चाहे खड़े होके देखो, चाहे छत पे जाके देखो, चाहे कैसी भी, ठीक है, मतलब चाहे लेट के देखो, चाहे बेड के नीचे घुस के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफॉर्मल वे में है। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, या आप अपने आप को भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी देखो, मेन बात है पढ़ने से, है ना। तो इनफॉर्मल इनफॉर्मल आती है। फिर कहता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। जब आप टू ग्रुप्स ऑफ पीपल में बात करते हैं, तो हमने यह पढ़ा था ट्रांजेक्शनल, पढ़ा था, हमने उसमें बात करी है अपने जो फुल वीडियो है रिवीजन वाली, उसमें हमने बात करी ट्रांजेक्शनल की। ठीक है, फिर क्या है, ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो है सिमनोटिक्स। अब ट्रैफिक सिग्नल्स क्या, एक तरीके से सिंबल्स हैं, तो ये सिंबल से बना हुआ है ना। तो आपको वो एक गाइड करता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, या कब चलना है कब नहीं चलना, तो ये क्या है, ये सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिमनोटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है आपका, फोर्थ, बी का है आपका, सॉरी फर्स्ट का है थर्ड, बी का है फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड और बी का फोर्थ, तो थर्ड तो इसी का भाई, ये लो एक ही हो गया। मतलब आप, अगर आपको एक भी कोई ऑप्शन पता होता, अगर आपको एक का ही आप कर लेते, तो डायरेक्ट टिक मारते, आपका आंसर सही था ये, है ना, ये क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बैरियर्स, प्लानिंग, सडन एक्सप्रेशन, मीडिया सिलेक्शन, और लास्ट क्या है आपका, यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या है, तो क्या क्या है आपका, क्या जब आप पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन का, तो वो किस किस वजह से पड़ता है, क्या एक्सेप्टेंस ऑफ बैरियर्स की वजह से पड़ता है, नहीं, एक्सेप्टेंस, अगर आप बैरियर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो भाई वहां पे तो नॉइज आ जाएगी, और जब शोर शराबा होगा तो आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकेंगे, तब वहां पे वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। ठीक है, प्लानिंग, आप प्रॉपर प्लान के साथ चल रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके आप एक तो जाते हैं यूं ही बिना प्लानिंग के, आप जाके कहते हैं सर ऐसी सी बात है, सर कहेंगे हाँ जाओ, आप अपने इंचार्ज के थ्रू आओ या आप वाइस प्रिंसिपल के थ्रू आओ। ठीक है, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हैं, आप पहले इंचार्ज को बताते हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है, और फिर आपके बात प्रिंसिपल के पास जाती है, तो प्रिंसिपल आपकी बात को ज़्यादा वैल्यू देगा, ज़्यादा कंसीडर करेगा आपकी वैल्यू, आपकी बात को। ठीक है, तो वो बात आती है, तो प्लानिंग जो है वो सही है। फिर है सडन, क्या बात करते हैं, सडन एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन गलत है, क्योंकि आप एकदम से कुछ एक्सप्रेशन ऐसा लेके आए जिसकी वजह से पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है भाई, आप बोलते बोलते मान लो किसी ने कुछ, किसी का फोन बज गया क्लास में, तो आप एक्सप्रेशन अगर गंदा सा दे दोगे, तो वो देखो दो तरह के एक्सप्रेशन होंगे, एक तो आप यूं कह दो यार फोन बंद कर लेना, पढ़ाई कर रहे समझ में नहीं आता, एक ये, और एक कोई बात नहीं बजता रहता है, होता रहता है,
छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। इस तरह से मतलब आप अपनी भाषा को, आप अपनी एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ें ठीक है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे सडन एक्सप्रेशन, अगर यहाँ कहा होता सडन पॉजिटिव एक्सप्रेशन तो ये सही होता ना, अदरवाइज ये गलत है ठीक है। फिर है मीडिया सिलेक्शन, बिल्कुल सही। आप मीडिया का, अगर प्रॉपर मीडिया का सिलेक्शन करेंगे, आप बहुत सही मीडिया का सिलेक्शन करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव वे में जाएगा ठीक है। फिर है यूज ऑफ लैंग्वेज। अब यूज ऑफ लैंग्वेज, आप अगर किस लैंग्वेज में, अगर मेरे आप मैं मेरे को मान लो मेरे को अगर हरियाणवी आती है या मुझे आप हिंदी आती है ठीक है, तो मेरे साथ अगर आप हिंदी में ही बात करेंगे या मेरे साथ आप हरियाणवी में बात करेंगे या आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करेंगे, तो मैं ठीक है, मैं समझ में जाऊँगा मैं ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ जाके कर्नाटका की लैंग्वेज या केरला की लैंग्वेज या उड़िया में बात करोगे, तो मेरे तो भाई ऊपर से जाने वाली लैंग्वेज है, मेरे को समझ में नहीं आएगी। तो ये बात है, तो आप प्रॉपर यूज़ अगर आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो ही आपकी कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगी आपको ठीक है। चलिए तो आंसर क्या है इसका, एक तो है आपका बी, एक है आपका डी और एक है आपका ई। तो बी डी और ई सेकेंड ऑप्शन ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, सीधी सी बात स्टोरी टेलिंग होता है। आप किसी को भी स्टोरी सुनाओ और वो बहुत अच्छे से, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे बढ़िया इफेक्टिव जो है वो पार्ट रहते हैं ठीक है, स्टोरी टेलिंग। फिर है क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स लिसनिंग बाय लर्निंग, फॉर्मल लेक्चरिंग, इनफॉर्मल डिस्कशन, लेस इंपॉर्टेंस टू फीडबैक, एक्सप्लेनिंग। तो इनमें से हमने बताना है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं ठीक है। तो लिसनिंग बाय लर्निंग नहीं, आप जरूरी नहीं कि सिर्फ लिसन, सिर्फ सुन के आप लर्न कर लो, ऐसा जरूरी नहीं होता ठीक है। फॉर्मल लेक्चरिंग, हाँ बिल्कुल ठीक, आप फॉर्मल लेक्चरिंग में आपका जो है वो लेक्चर मेथड भी आ सकता है, या आप आईसीटी की मदद से अगर बढ़ा सकते हो पीपीटीज के थ्रू, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनफॉर्मल डिस्कशन, बिल्कुल ठीक, आप फॉर्मल लेक्चर देने के बाद आप बच्चों में इनफॉर्मल डिस्कशन भी करवाओ, आप डिबेट्स करवाओ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपकी क्लासरूम कम्युनिकेशन में ठीक है। फिर बात करते हैं लेस इंपॉर्टेंस टू फीडबैक, बिल्कुल भी नहीं। आपको फीडबैक तो देखो भाई, हर टीचर को, हर इंसान को फीडबैक लेना पड़ता है और जरूरी भी है। कल वाला एग्जांपल, मम्मी ने आपसे पूछा कि खाना खाना है, आपने कोई जवाब नहीं दिया, मम्मी ने चप्पल ही फेंक के मारनी है, मैं जवाब क्यों नहीं देता, तेरे पूछ रही हूँ खाना क्यों, खाना खाना कि नहीं खाना, हाँ या ना, बात खत्म। आपने कह दिया नहीं खाना, ठीक है नहीं खाना, बस बात खत्म होगी, बस इतनी सी बात। मतलब फीडबैक, फीडबैक आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आप चाहे घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको फीडबैक तो देखो मतलब मस्ट है अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपने करना है तो। मैं इग्नोरेंस नहीं करनी ना आपको, आपको सामने वाले को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी ठीक है। एक्सप्लेनिंग, आप चीजों को एक्सप्लेन करो, आप जब चीजों को एक्सप्लेन करोगे तो वो चीज होगी। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन ना करूं और सिर्फ सीधा सही आंसर बता दूं तो कोई फायदा, फायदा कोई नहीं होगा फायदा है ना। तो इसलिए हर एक ऑप्शन को मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, एक तो है आपका बी, एक है आपका सी और एक आपका ई, ये वाला ठीक है। तो बी सी और ई, बी सी और ई, ये रहा ठीक है, आंसर ये है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस ठीक है। तो इसके बारे में बतानी है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे आखिरी में कौन आया ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा था आपका, सबसे पहले था आपका न्यूज शीट्स। पहले ना न्यूज शीट्स आती थी ठीक है, एक प्रॉपर शीट थी और उस पर मतलब न्यूज सब कुछ लिख दिया करते ठीक है। फिर न्यूज बुक्स आनी शुरू हुई भाई, आपके एक प्रॉपर बुक टाइप में आने लग गई, जिस तरह अभी फिलहाल में मतलब अभी तो स्टैंडर्ड न्यूज पेपर्स आते हैं है ना ठीक है। तो पहले क्या होता है, बुक्स टाइप में बना करती छोटे छोटे, या वो कह लो मैगजीन टाइप से आया करती थी है ना, वो उस तरह की ठीक है। फिर आपके स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स ठीक है, तो पहले आया सी, फिर आया आपका बी और फिर आया ए ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, डी बोल दो, टेबलोइड्स ठीक है, टेबलोइड्स। और उसके बाद आता है कि फिर ब्रॉडशीट्स ठीक है। तो ये चीज़ मतलब टेबलोइड्स में आपके वही मैगजीन्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर में तो एक पेज पे न्यूज़ लिख दी, फिर न्यूज़ बुक में एक प्रॉपर बुक है जिसमें न्यूज़ लिखी हुई है ठीक है। फिर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जिस तरह की आज की आती है, फिर टेबलोइड जो मैगजीन्स आती हैं है ना, बहुत सारी जो ट्रिब्यून के साथ भी आती हैं, या फिर आप दैनिक भास्कर के साथ देखो, दैनिक भास्कर में एक आती थी पहले यंग भास्कर, तो वो चीज़ें थी, तो वो उनको टैबलेट्स कहते हैं। और ब्रॉडशीट्स, जो ब्रॉडशीट्स होती है मतलब बहुत चौड़ी चौड़ी और मोटी मोटी शीट्स होती हैं, उन पर न्यूज़ लिखी होती है, वो चीज़ें ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, न्यूज़ शीट्स बोल दो, सी लो, सी सी तो सिर्फ एक में है जी, लो हो गया सही फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। चलिए, फैक्टर डेट कंट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आप कंट्रीब्यूट करते हैं क्लासरूम इफेक्टिव
देखो जोर दिया जा रहा है यहाँ पे किस पे, इफेक्टिव क्लासरूम, इफेक्टिव पे, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन पे, ठीक है। तो वो चीज तो उसमें आपकी क्या क्या होगी, एक तो होगा आपका क्या इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्या होगा नहीं होगा। अगर आप ओवरलोड लेके चलोगे तो कैसे बात बनेगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, नहीं होगी, है ना। फिर यूज ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप फैमिलियर ही नहीं है उस वर्ड से, ठीक है। आपको जिन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता आप वही वर्ड्स बोल रहे हैं, क्या पता उस वर्ड का किसी लैंग्वेज में कुछ और ही मतलब हो, या उस वर्ड का जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं उस लैंग्वेज में ही कोई और मतलब हो और आप उसका, आपको उसका मतलब ही नहीं पता, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। फिर है बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, आपको बैलेंस्ड रहना चाहिए, अनफैमिलियर का अपोजिट है ना, बैलेंस्ड रहना चाहिए, ठीक है। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस, बिल्कुल ठीक, सर्कुलर फ्लो मतलब कि आपने भेजा ये घूमते घूमते आया और यहाँ पे आके आपको फीडबैक फिर से मिल गया, ठीक है। तो वो चीज़, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्सेस टू फीडबैक, बिल्कुल ठीक, आपको फीडबैक मिलना चाहिए। अभी अपन ने बात करी सर्कुलर फ्लो, तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है, एक प्रोसेस भाई, यहाँ से भेज रहे हैं और ये घूमते फिरते सेंडर के पास, मतलब यहाँ पे सेंडर है, ठीक है, यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है। तो इसने यहाँ से मैसेज भेजा इसके पास और इसने उसको समझ के वापस भेज दिया इसके पास, मतलब वापस भेजने मतलब है फीडबैक दिया, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर क्या है आपका, सी डी और ई, ठीक है, सी डी और ई। चलिए फिर बात करते हैं इसका, कहता चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एक तरफ है आपके टाइप्स ऑफ लिसनर्स और एक तरफ है आपकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें से अब क्या क्या आता है, अब देखिए पुअर लिसनर, पुअर लिसनर बोले तो जब आप फिजेट रिपीटली, मतलब आप बार बार उसको बता रहे हो लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आप टीचर्स कहते हैं ना यार तू ना फिजिकल तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या आपको पुअर लिसनर है, ठीक है। एग्रेसिव लिसनर, एग्रेसिव लिसनर मतलब स्केर्स, ठीक है, मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं और मतलब कम पाए जाकर मतलब ये नहीं है कि वो जानवर हैं भी, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एग्रेसिव का मतलब जो हर चीज को सुनने के लिए उतावले रहते हैं, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं चीजों को, ठीक है। पैसिव लिसनर होता है इजिली एग्री विद द स्पीकर, मतलब हाँ ठीक है जो बोल दिया स्पीकर ने, हाँ ठीक है ठीक है, उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है वो चीज़। फिर सुडो इंटेलेक्चुअल, सुडो होता है जैसे लिसन टू आइडियाज बट नो इमोशंस बिहाइंड, मतलब उसने सुन लिया लेकिन उसके पीछे कोई इमोशंस नहीं है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल बैठे है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, फोर्थ, ठीक है। चलिए पुअर लिसनिंग, अभी अपने पुअर की बात करी, फिर वही चीज आ गई पुअर लिसनिंग बाय द ऑडियंस लीड्स टू, ये किसको लीड करते हैं, तो वो करता है इनएक्यूरेट इन्फ्रेंस को, ठीक है। अप्रिशिएटिंग टू स्पीकर, नहीं अप्रिशिएट तो करता ही नहीं वो, अगर वो पुअर लिसनर है उसने सुना ही नहीं तो अप्रिशिएट क्या करेगा, वो तो धक्के से तालियां मार दे सभी के बीच, वो बात अलग है ना। वाइल्ड इमेजिनेशन, नहीं वाइल्ड तो नहीं, वो जानवरों वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ द स्पीकर, बिल्कुल भी नहीं, डिसरिस्पेक्ट करोगे आप तो आप भगा दिए जाओगे, आप लिसनिंग की यहां बात हो रही है, लिसनिंग जब आप इनएक्यूरेट इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब है जब कंक्लूजन पे पहुंच जाए, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, आपने कोई चीज सुनी नहीं, कोई चीज समझी नहीं और आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाओ, ठीक है। मान लो कोई ऐसी एक वेबसाइट है जिस पे आपको ना ट्रस्ट नहीं है, जिसको जिसकी आपको अच्छा नहीं लगता, जो कोई कंपनी आपको अच्छी नहीं लगती और आप उसका प्रोडक्ट ना कितना मर्जी अच्छा हो, मतलब उसने चल लाखों करोड़ रुपए उस एक प्रोडक्ट से कमाए हो और उसको 5 स्टार मिला हो और मतलब उसने स्केल ही तोड़ दिया हो, ऐसा ऐसे तगड़े स्टार मिले हैं, लेकिन आप फिर भी कहोगे यार क्या है ये बकवास, मेरे को नहीं पसंद, मतलब आपने कोई एनालाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया और आप डायरेक्ट इन्फ्रेंस पर पहुंच गए, इन्फ्रेंस मतलब होता है कंक्लूजन पर पहुंचना। तो इनएक्यूरेट जब आपने इन्फ्रेंस निकाल दिया तो इसका मतलब होता है आप पुअर कंपनी, पुअर लिसनर हो, ठीक है। तो ये अनुकूल सही है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन है, अपन यहाँ पे बात करी थी 7 C's की, 7 C's की अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने 7 C's की बात यहाँ पे करी थी, ठीक है। तो उनमें से वो कौन कौन से हैं तो अपने वो देखने हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपका क्या, पहला करेक्ट कंक्रीटनेस, मतलब आप किसी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ है आप उसको छोटी सी चीज़ बना दो, मतलब वही बात कि आपने बड़ा पैराग्राफ लिखा और उसका समरी लिख दिया तो आपने समरी लिखी, ठीक है वो। फिर है कर्टसी, बिल्कुल कर्टसी होना, मतलब बिल्कुल शानदार चीज़, बिल्कुल शॉर्ट में या बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फिबलिस्ट्रिक, नहीं बिल्कुल भी नहीं, फिक्स आपका ये है, ये फिक्शनलाइजेशन, नहीं फिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, रियलिटी बेस हो, कोहेरेंस, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात, अगर हम यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, सी की, तो ये एफ वाले तो अपना भी कट ही जाएंगे, तो बचे कौन कौन से, सी कोहेरेंस, कर्टसी और कंक्रीटनेस, ठीक है। तो ए बी और ई, ठीक है, आपका आंसर क्या है, सी,
ठीक है। चलिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीधी सी बात वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है आपकी, किसी भी तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नॉन लिसनर, मार्जिनल लिसनर, इवेल्युएटिव लिसनर और एक्टिव लिसनर। तो अपने को इनके साथ मैच करना है ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो अपने देखने हैं। तो क्या कुछ है इसमें वो देखते हैं। देखिए पहला क्या आपका नॉन लिसनर, नॉन लिसनर, ठीक है। तो नॉन लिसनर क्या है, जब वो कोई भी पर्सन जब एंगेज हो किसी चीज में, इंफॉर्मेशन में, जब वो अदर पर्सन, जब अदर देन वन नीडेड, ठीक है। तो नॉन लिसनर इज एंगेज इन इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड, ठीक है, तो जब उसको नीड हो। तो मार्जिनल, मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो चीज। तो मार्जिनल लिसनर क्या है, प्ले प्ले टू टू द कम्युनिकेटेड इन्फॉर्मेशन ओकेजनली, मतलब वो ओकेजनल ओकेजन पे जब उसका मन करता तब, ठीक है। इवेल्युएटिव लिसनर, इवेल्युएटिव लिसनर कौन सा, जो अपने आपको इवेल्युएट करता है, मतलब रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो बिना सिग्निफिकेंस के प्रोसेस करे। और एक आता है आपका एक्टिव लिसनर, जो लुक करता है आपका रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशन, भी आप उसकी इम्प्लीकेशन कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, देखो सीधी सी बात यहीं आ गया, ये लो डी। तो आपको अगर एक भी पता है, देखो इस तरह के ऑप्शन बहुत मिलेंगे, अगर एक भी पता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ए गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो, किस तरह का एक ऐसा प्रिंसिपल होगा जो गुड कम्युनिकेटर, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर जो है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से जो है वो आपके प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज, बिल्कुल होगा, ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा, ठीक है। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल, नहीं, वो अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। ही शुड बी ऑटोटेरियन, बिल्कुल भी नहीं, ऑटोटेरियन नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन करते हुए, आपको डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। फिर है, ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, बिल्कुल ठीक, जो जिस तरह का आपका मीडियम है उस तरह के आपको एडजस्ट हो जाना पड़ेगा। और आप, मतलब मीडिया का मतलब है, अगर आपको, जैसे मेरा ना एक मैं ना एक जगह पे बैठा था और ना सामने एक एक पर्सन जो है वो स्पीच दे रहा था, तो स्पीच देते थे ना उसका, उसकी स्पीच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आर की थी, मान के चलो वन एंड हाफ, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच दी थी। तो उनका ना फर्स्ट 5 मिनट्स माइक चला था और उसमें माइक उनका बंद हो गया, ठीक है, और बहुत अच्छी स्पीच थी और माइक दूसरा कोई था नहीं या क्या सिस्टम था मुझे नहीं पता, तो उनका माइक कंटिन्यू चला ही नहीं, पूरा पूरी स्पीच उनकी खत्म हो गई। और उन्होंने क्या किया, अपने माइक को रखा आराम से, वो स्टेज में बिचो भी चाहे, और उन्होंने पूरी स्पीच बहुत अच्छी आवाज में, बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज में पूरी ऑडियंस को समझाया, ठीक है, और ऑडियंस भी ऐसी अच्छी कि सभी के सभी शांत हो गए, क्योंकि उसका साथ दे रहे थे, अगर उसका माइक खराब हो गया तो उसका साथ दे रहे थे और शांत बैठी थी और उसके स्पीच को, उसकी बातों को उसको सुन रही थी। और एंड के जब 2-4 मिनट बचे थे तब बेचारे फिर से माइक चल पड़ा। तो ये क्या, वो एडजस्ट किया, उसने जो उसको मीडियम मिला कम्युनिकेशन करने का उसके हिसाब से उसने एडजस्ट किया। लेकिन वहाँ अगर फ्रस्ट्रेट हो जाता या माइक पटक के मारता या कहता यार क्या है यार ये, तुम इतनी बढ़िया स्पीच है तुम ये प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो उसकी इमेज वहाँ जाती है, तो वो गुड कम्युनिकेटर ना होता तो बैड कम्युनिकेटर बन जाता। तो वो मीडिया के साथ उसने एडजस्ट किया, ठीक है। He should prefer the method of storytelling. बिल्कुल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आप जब किसी को बताते, अभी मैंने ये एग्जाम्पल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बताया, आपको समझ में आया, शायद याद भी रहेगा, बहुत टाइम तक आपको याद रहे, तो आपको ये चीज़ें याद रहती है, ठीक है। तो आंसर क्या क्या है, एक तो ए है आपका, एक है आपका डी और एक है आपका ई, तो ए डी और ई फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नाइन्थ, ए कस्टमर राइट्स टू ए बैंक, बैंक को लिखता है काइंडली सेंड मी ए स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन इन माई सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। तो लास्ट 3 मंथ की उसने अपनी स्टेटमेंट मांगी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड। तो इस तरह की आपकी जो कम्युनिकेशन, आप उसे क्या कहेंगे, तो इसे आप कहेंगे मैसेज भेजना, ठीक है। अपने मैसेज भेजा उसने अपने बैंक को और वो बैंक उसको रिप्लाई कर देगा, ठीक है, तो आंसर क्या है मैसेज। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन, ए कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट, कब कंप्लीट मानेंगे आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को, तो वो तब मानेंगे जब आपका जो रिसीवर है आपको समझ के और फीडबैक प्रोवाइड करे, ठीक है। तो देखो फीडबैक का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे है द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज, जब रिसीवर आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेगा तो आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा मांगनेंगे, ठीक है। अगर देखो नॉर्मल अगर यहाँ पे फीडबैक भी लिखा होता तो आप फीडबैक पे क्लिक करते, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे इसमें यही लिखा है, अगर फीडबैक लिखा होता तो आप फीडबैक पे करते, क्योंकि फीडबैक लास्ट
स्टेप होता है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी इवेल्यूएट किया होगा, देखा होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और कमेंट में प्लीज़ बताना, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो कंसेप्चुअल स्टडी, ठीक है, इस तरह का आपको लोगो मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।